हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन विथ आंसर। जो आज का हम लोगों का टॉपिक है वो है ओबीजी के ऊपर और ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के ऊपर, जो प्रीवियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में पूछा गया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। जो नीचे दिया गया है उनमें से किसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ऑप्शन ए है फोलिक एसिड, ऑप्शन बी है आयरन, उसके बाद ऑप्शन सी है कैल्शियम, उसके बाद ऑप्शन डी है जिंक। तो ये जो है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कमी से, डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या सब होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइना बाई फिडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सिक्रेशन ऑफ द मदर ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी। डिलीवरी के बाद जो मदर का ब्रेस्ट से पहला सिक्रेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जो पहला ऑप्शन ए है सॉक्सी क्यूस्टर्नम, उसके बाद कोलोस्ट्रम, उसके बाद लोचिया, उसके बाद ल्यूकोरोचिया। तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन सी ए लोचिया, जिस जो है वो वेजिनल डिस्चार्ज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलोस्ट्रम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ लेबर प्लासेंटा इज डिलीवर। प्लासेंटा किस कौन सा स्टेज में डिलीवर होता है। ऑप्शन ए स्टेज वन, ऑप्शन बी स्टेज टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन सी स्टेज थ्री, ऑप्शन फोर जो है स्टेज फोर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टेज वन में क्या होता है, हम लोगों का टू लेबर पेन से जो सर्विक्स डायलेटेशन तक, उसके बाद 2 सेंटीमीटर डायलेटेशन से 10 एक्सपल्सन ऑफ बेबी, उसके बाद स्टेज थ्री जो होता है एक्सपल्सन ऑफ बेबी से लेके प्लेसेंटा एक्सपल्सन होने तक को हम लोग स्टेज थ्री बोलते हैं। उसके बाद स्टेज फोर आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है एनाटोमी फिजियोलॉजी के ऊपर क्विज। Which of the flowing condition screened by pap smear, जो pap smear है उसमें हम लोग क्या स्क्रीनिंग करते हैं। ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, एंडोट्रैकियल कैंसर को एंडोमेट्रियल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, या सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। तो इसका जो राइट आंसर है pap smear जो यूज किया जाता है वो है सर्विकल कैंसर के लिए। तो इसका ऑप्शन जो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, WHO डिस्कवर द पाटोग्राफ। जो पाटोग्राफ ऐप है वो कौन डिस्कवर किया था, हु वाज डिस्कवर द पाटोग्राफ। तो इसका जो ऑप्शन ए है डॉक्टर RH फिलिपोटर, उसके बाद डॉक्टर AL मुदलियार, उसके बाद डॉक्टर विलियम शो और डॉक्टर सारी दोकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डॉक्टर RH फिलिप पोटर। जो डॉक्टर AL मुदलियार हैं वो हैं मुदलियार कमिटी, जो कम्युनिटी में हम लोग डिस्कशन किए हैं वो मुदलियार कमेटी का जो चेयरमैन थे उनके बारे में है वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। व्हिच एब्डोमिनल ग्रिप यूज टू असेस द डिसेंट ऑफ हेड ए प्रेग्नेंट वुमेन। जो डिसेंट प्रोसेस है उसको हम लोग कौन सा ग्रिप से असेस करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है फंडल, उसके बाद लेटरल, उसके बाद पेल्विक वन, उसके बाद पेल्विक टू, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेल्विक टू ग्रिप से हम लोग बेबी का डिसेंट को असेस करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं।
फास्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ड बाय द मदर आर नोन एज, जो पहला मूवमेंट होता है बेबी का जो मदर फील करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जो है लाइटनिंग, उसके बाद ऑप्शन बी एंगेजमेंट, उसके बाद ऑप्शन सी क्विकनिंग, उसके बाद उस डी जो ऑप्शन है बोलोटोमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम लोग क्विकनिंग कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज बेड रेस्ट इज एसेंशियल प्री एक्लाम्सिया, जो प्री एक्लाम्सिया पेशेंट होते हैं उन लोगों को बेड रेस्ट क्यों चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है प्रिवेंट एक्लाम्सिया, एक्लाम्सिया जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड एड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा, जो मोबिलाइज करते हैं टिश्यू को फ्लूइड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज जो एडिमा को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, या प्रिवेंट प्रीमैच्योर लेवल, और या ऑप्शन डी इट्स इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी इट्स इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच टाइम इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग मैटरनिटी साइकिल, फर्स्ट ट्रमिस्टर, लास्ट ट्रमिस्टर, लेबर एंड डिलीवरी एंड प्यूरीपेरियम, कौन सा टाइम में जो डायबिटीज है हम लोगों को कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लेबर एंड डिलीवरी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्हिच इज़ द हजार्ड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर पिटोसिन, जो हम लोग पिटोसिन यूज कर इंडक्शन करते हैं, तो उसमें हजारियस क्या होने का चांसेस है। वो ब्लड प्रेशर को एलिवेटेड करता है, या इन्फेक्शन करता है, या रप्चर ऑफ यूटेरस करता है, या अर्ली रप्चर ऑफ मेम्बरियन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रप्चर ऑफ यूटेरस। तो आज बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।